सीखने की ऐसे उसे पड़ी, ये एक मैं बीमारी को देख रहा हूँ, सीखने की उसे, जैसे सीखते रहते मेडिसिन से भी कुछ नहीं आ रहा, आराम नहीं आ रहा। सुनने में मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मल लगता है, ये भाई साहब 15 साल के थे जब से ये से प्रॉब्लम थी, मेडिसिन खाई बहुत पर फिर भी छुटकारा नहीं मिला। 15 साल की है, आज इनकी 45 साल हो गई, कितने साल हो गए, पूरे 30 साल, कितने साल, 30 साल से ये रोग था सीखने का, और इस बहन को 7 साल से। तो इस ब्रदर जी का नाम बीर सिंह है और इनके गवाही जे है जे सिस्टर के भी, और जे बता रहे हैं कि जब जे दोनों ही 26 फरवरी की मीटिंग में आए थे, जे बहन भी और जे ब्रदर जी भी, तो उस दिन जे बता रहे कि इनकी जो प्रॉब्लम थी जे ब्रदर जी की, जे बता रहे कि जब बचपन में इनकी एज 15 साल की थी और उस समय से इनको सीखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और आज इनकी जो एज है 45 साल हो गई, अभी तक जो प्रॉब्लम थी इनको, और जो बता रहे कि जब इनको बहुत ज़्यादा छींके आती थी तो इनकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहता था और सिर में दर्द होती थी, और जिन्होंने उस समय मेडिसिन भी खाई पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और जिसके कारण जो ब्रदर जी बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जो बता रहे हैं कि जैसे जो ब्रदर जी भी 26 फरवरी की मीटिंग में आए थे और जब परमेश्वर के दास के मुख से परफेक्टिक वर्ड्स आया था कि जिनको सीखने की प्रॉब्लम है, पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। सीखने की ऐसे उसे पड़ी, ये एक मैं बीमारी को देख रहा हूँ, सीखने की उसे, जैसे सीखते रहते मेडिसिन से भी कुछ नहीं आ रहा, आराम नहीं आ रहा। अब जो कोई भी हो, खुदाबंद करू मुझे कह रहा अपने मन को फिरा तो गवाही से आएगा खुदाबंद के। और जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जब जे आगे आए, पहले हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। पानी आ जाता ना। हाँ जी हाँ। सुनो एक चीज, कई बार हम सुनने में हमें लगता है नॉर्मल है, और इनका नाम रजवंत है, और से सिस्टर को भी 7 साल से सीखने की प्रॉब्लम थी, और जिसके कारण इनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, इनके आंखों में भी दर्द रहती थी, और इन्होंने भी मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और फिर जिन्होंने मेडिसिन पर अपना मन नहीं लगाया, और जैसे जो उस दिन जे भी सिस्टर मीटिंग में आए थे और जैसे इन्होंने भी इस वर्ड को रिसीव किया और जब आगे आए, अभी हम उस वीडियो क्लिप को भी देखेंगे। बाबा चेर मतलब कितने 6-7 साल हो गए, इससे आपका सिर भी दर्द होता है और आंखें भी दर्द होती हैं। हाँ बिल्कुल इतना जी पापा जी, इसे आपको सिर में दर्द होती है और आंखों से भी दर्द होती है। उस दिन इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और जब आगे आए तो इन्होंने धन्यवाद किया, और आज जे भाई और जे बहन पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आज पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस गवाही के लिए जे परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियों दा साडे विच आया है, होसना होसना दूता ने गाया है, यीशु वैद रोगियों दा साडे विच आया है। सुनो सुनने में मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मल लगता है, ये भाई साहब 15 साल के थे जब से ये से प्रॉब्लम थी, मेडिसिन खाई बहुत पर फिर भी छुटकारा नहीं मिला। 15 साल की है, आज इनकी 45 साल हो गई, कितने साल हो गए, पूरे 30 साल, कितने साल, 30 साल से ये रोग था सीखने का, और इस बहन को 7 साल से। और उस दिन कौन सी मीटिंग में ये परमेश्वर ने प्रोफेटिक वर्ड दिया, 26 फरवरी में,
जब परमेश्वर ने मेरे मुंह से बोला कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सीखने की उन्हें बीमारी है, क्या ये और भी कोई आया होगा साथ में? हाँ, हो सकता और भी एक दो हो, पर परमेश्वर जब वचन स्वर्ग से देता है तो परमेश्वर ने कहा व्यर्थ जारी कर मेरे पास आज तक अपनी हमेशा ये यहां पे देखा है कि जो जो आज तक परमेश्वर ने मेरे मुंह से दिया है हमने उसकी गवाहियां सुनी है। सुनी है कि नहीं है? आज भी जो आपके सामने है, ये बहन कितनी परेशान थी, सिर की प्रॉब्लम होती थी, माइक देना नहीं, क्या होता था आपको इसके कारण? जय मसीह जी पापा जी। जय मसीह पापा जी। सिर में दर्द, अखा जो भी पानी निकल, अखा भी दुखदियां बहुत ज्यादा, आंखों से पानी निकलता और सिर हमेशा दुखता रहता था, नाक भी बड़ा पीड़ करता हुंदा, जो छिक्का उठदियां भी 10 बजे तक, जो मैं रात भी उठना उदो छिक्का दिने उठना, बहुत छिक्का हुंदियां। सुनने में नॉर्मल लगता, बंदा कितना बेचैन होता होगा। हां, रात को भी ऐसे होता था? हां जी पापा जी, जदों मैं उठदी ना बाथरूम नु, ओदों पांच छे छिक्का मैनू आउंदियां, फिर अपना मुंह में लीड़े ना घुट के ते फिर लम्मे पैनी, नहीं तो फिर मैनू चैन आउंदा हुंदा सी। इनको इनके पास भी जाओ, आपको क्या होता था? मेरे को पापा जी, जयमसी जी। जयमसी। मेरे को नशा सुते पिया, जब उठना ना मैं चेना तो कपड़ा ला ना, उससे वेले जुकाम हो जाना, उससे वेले जुकाम हो जा। हाँ जी, फिर सारा दिन ही नशा चलते रहने, मैं कई ना बड़ी दवाई खानी तो मुंह ते परना लपेट लेना, बड़ा तंग रहना मैं, बहुत तंग रहते, मुंह पे कपड़ा लपेट कर रहते थे हमेशा ही। हाँ जी, मेडिसिन से भी हल नहीं हुआ? नहीं जी। आपकी आंखों में से भी पानी निकलता है कि नहीं? पानी भी अखा दे विच आई जाना, बस अखा च पानी आता था, और जब भी आप उठते थे आपको जुकाम हो जाता, रोज ऐसे ही होता था? हाँ, रोज ही ऐसे कई ना होता। देख लो भाई, इसलिए परमेश्वर जानता है जिस पर आप विश्वास करते हो, जिस हजूरी में, उस खुदावंत की हजूरी में आप बैठे हो, उसे पता है आपको क्या चाहिए। पापा जी बिल्कुल ठीक है, मैं कोई गाल नहीं है। देख लो, आज कितने दिन हो गए? आज हो गए कितने? नहीं, ये प्रोफेटिक वर्ड किस? 26। आज कितनी तारीख है? हाँ, 19, 26, और ये पिछला महीना 28 का था ना, पूरे 21 दिन हो गए ना, 21 दिन हो गए, 21 दिन। उस दिन से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं, आज परमेश्वर ने देखो इन्हें पूरी तरह से, इनकी 30 साल की बीमारी, इस 30 साल की बीमारी से इन्हें मुक्त किया, और उनकी 7 साल से, अपने अभी सुना उनके मुंह से कि ये कितने परेशान थे। इसलिए इस बड़े काम के, इस बड़ी गवाही के लिए खुदावन की तारीफ कर दो जोर से, जोर से। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम।